हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत फोर्ज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 मार्च 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले भारत फोर्ज में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन भारत फोर्ज में हमें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.06% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 689.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो आज के दिन देखने मिल रहा है। करंटली कैंडल जो है जरूर एक यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की मैं कहूँ तो कैंडल बनी है और दोनों साइड में विक जो है देखने मिल रही है। बात करोगे मैं आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे आप देख सकते हैं 55-56 के आसपास जो आ चुका जो हमें यहाँ पे एक स्लाइट नेगेटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है फिलहाल यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा अभी जो है डाउनसाइड जो है आते हुए देखने मिल सकता है। मतलब इस स्टॉक में हमारा जो है करंटली ओपिनियन जो है वो नेगेटिव का बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक जो फिलहाल अगर मैं कहूँ आपको तो 662 तक यहाँ पे गिरते हुए देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे 662 को जो क्रॉस किया तो यहाँ पे 650 और इवन यहाँ पे उसके बाद जो है 631 या फिर 610 तक हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है। करेंटली 640 तक यहाँ पे हमें 660 तक यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया तो हम जरूर देखेंगे। लेकिन करेंटली स्टॉक का यहाँ पे जो है हमारा ओपिनियन जो है स्टॉक में आने वाले दिनों का नेगेटिव का करेंटली जो बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे करेंटली अभी जो है स्टॉक में जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 MA जो है अभी भी 50 MA के जो है नीचे चल रहा है। इसका मतलब इस स्टॉक में हमें जो है एक डाउन साइड जो है यहाँ पे अभी भी फिलहाल जो है देखने मिलने वाला, मतलब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है और यहाँ पे कितना भी अपसाइड मूवमेंट है स्टॉक यहाँ पे हमें गिरते हुए फिलहाल जो है देखने मिलने वाला। तो थोड़ा सा जो स्टॉक में करेंटली जो कॉशियसली काम करे जब तक 20 EMA जो है यहाँ पे 50 EMA को जो क्रॉस ना करे यहाँ पे आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें अपसाइड के लिए। खास करके यहाँ पे अगर कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर जो आप उसको ग्रैब करे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं कल के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा 1 आवर का चार्ट ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं आपको जरूर मार्क करके बता देता हूँ। कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी मार्क है लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा सपोर्ट जोन जो है यहाँ पे जो है मार्क नीचे के साइड में करंटली स्टॉक जब गिरा था उसके बाद हमने मार्किंग्स नहीं किया। तो करंटली यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है मार्किंग्स आपको दे देता हूँ जरूर जब अपने चार्ट पे भी जो सेम टू सेम मार्किंग्स कर ले। तो यहाँ पे मार्किंग्स अब हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको मिडिल में लेके आता हूँ, दोनों साइड का यहाँ पे आपको क्लियरली जो है व्यू है वो यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लोजिंग अब बात करते हैं 690.55 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 685.70 का, डायरेक्ट रेशन यहाँ पे बनता है 693.50 का। तो यहाँ पे याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर
कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो यहाँ पे आई बटन में मैंने एक कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जाओ उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखने, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जाओ उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको दो सपोर्ट और दो रेसियन यहाँ पे क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेसियन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 677.80 का, उसके बाद क्या आता है 666.35 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेसियन के बाद का अगला रेसियन आता है 700 का, उसके बाद क्या आता है 705.40 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेसियन यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो यहाँ पे अपना कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए यहाँ पे जरूर जो नेगेटिव साइड का जो बन रहा है, मतलब स्टॉक जो हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है, और यहाँ पे हाई चांस है कल स्टॉक जो 677.80 से लेकर 685.70 के बीच में हमें क्लोजिंग भी जो है वो दे। तो जरूर जो है आप इस स्टॉक को जो है कल के दिन यहाँ पे नजर में बना के रखा, किस तरह से इसकी ओपनिंग हो रही है प्री ओपन मार्केट में वो भी आप जरूर देखें। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।